अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के अरूज के बारे में। कैसे एक नया और अनजाना डिजिटल करेंसी सिस्टम दुनिया में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ और अब ये दुनिया भर में मशहूर है। अगर आपको बिटकॉइन के बारे में समझना है और ये कैसे मकबूल हुआ तो ये वीडियो आपके लिए है। बिटकॉइन का आगाज 2008 में एक शख्स या ग्रुप ने, जिसे हमस्तोशीना कामतो कहते हैं, एक वाइट पेपर जारी किया जिसमें पहली मर्त बिटकॉइन का तस्वीर दिया गया। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, यानी इस पर किसी एक हुकूमत या बीन का कंट्रोल नहीं है। यह एक नया और आजाद तरीके से मालूमात और पैसा भेजने और वसूल करने का तरीका। बिटकॉइन का पहला सौदा 2000 में पहली मर्तबा बिटकॉइन का इस्तेमाल एक असल चीज खरीदने के लिए हुआ, एक पिज्जा। जी हाँ, एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइंस में पिज्जा खरीदा। आज के दौर में वो बिटकॉइंस लाखों डॉलर के बराबर होते। बिटकॉइन की कीमत में इजाफा। बिटकॉइन की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले लोग बिटकॉइन के तसव्वुर से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे लोग इस टेक्नोलॉजी को समझने लगे, उसका इस्तेमाल और कीमत बढ़ने लगी। 2007 में बिटकॉइन ने एक्री कार्ड बनाया और पहली मरतबा $22,000 की हद पार की। उसके बाद लोग बिटकॉइन को एक कीमत या सासे के तौर पर देखने। बिटकॉइन का आसार, इंपैक्ट ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन के आने के बाद लोगों ने इस तरह की और डिजिटल करेंसीज यानी क्रिप्टो करेंसीज बनाना शुरू की और आज दुनिया में बिटकॉइन के अलावा हजारों और क्रिप्टो करेंसीज हैं। बिटकॉइन ने लोगों को एक नया तरीका दिया है अपने पैसे महफूज और सरमायाकारी करने का और अब काफी मुमालिक में लोग बिटकॉइन को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिटकॉइन और आज का दौर, बिटकॉइन टुडे। आज बिटकॉइन एक असासा क्लास बन चुका है और काफी मिल्क और कंपनियां इसे कबूल करने लगे। इसी वजह से इसका मुतालबा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी के लिए नहीं, बल्कि कुछ लोग इसे ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था बिटकॉइन का सफर, जो 2008 में एक आइडिया से शुरू हुआ और आज दुनिया के सबसे मशहूर और कीमती कर पटोकर नसीब बन चुका है। अगर आप बिटकॉइन और क्रिप्टोकर नसीज में दिलचस्पी रखते हैं तो असफर को समझना और इसके खतरात और मौके को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप बिटकॉइन के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। आउट्रो। शुक्रिया दोस्तों आपका वक्त देने का। अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज़।